बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गजा से कैनेडियन शहरियों के इनखला का ऑपरेशन जारी। रफा क्रॉसिंग दो दिन की बंदिश के बाद दोबारा खुल गई। मजीद 234 कैनेडियन और खानदान के अफराद गजा से रवाना हुए। कनाडा में एक हफ्ते के दौरान यहूदियों के स्कूल पर फायरिंग का तीसरा वाकया। पुलिस का कहना है कि किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। पुलिस की जानिब से वाकये की तहकीकात जारी है। कनाडा भर में हिंदुओं और सिखों ने दिवाली और बंदी छड़ दिवस भरपूर जोशो जज्बे से मनाया। कैनेडियन वजीर आजम की जानिब से हिंदुओं और सिखों को अलग अलग मुबारकबाद। मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमरीका, जनूबी कोरिया और जापान मिसाइल वार्निंग डेटा शेयरिंग पर मुत्तफिक। मेकनिज्म को दिसंबर में बाज़ाब्ता तौर पर फाल करने पर इत्तेफाक। सैमुल की मशकों के लिए एक कसीर साला मंसूबा तैयार करने पर भी इत्तेफाक हुआ। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. आलमी उमूर कनाडा का कहना है कि इतवार को 234 कैनेडियन मुस्तकिल रहायशी और उनके अहले खाना गजा से मिस्र पहुंचे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है इतवार को 234 कैनेडियन और खानदान के अफराद गजा से रवाना हुए। आलमी उमूर कनाडा का कहना है इतवार को 234 कैनेडियन मुस्तकिल रहायशी और उनके अहले खाना गजा से मिस्र पहुंचे हैं। यह अपडेट उस वक्त सामने आई है जब रफा क्रॉसिंग दो दिन की बंदिश के बाद दोबारा खुल गई, जिससे गैर मुल्की शहरियों को जंगजदा इलाके से फरार होने का मौका मिला। ऑन्टेरियो के शहर लंदन से ताल्लुक रखने वाली एक खातून, जिनके वालिद ने महसूर गजा की पट्टी से 6 बार फरार होने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि वो बिलआखिर महफूज मकाम पर पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन कनाडा से ताल्लुक रखने वाले हर फर्द ने गजा छोड़ने की मंजूरी नहीं दी है, सरहद पार नहीं की है। ग्लोबल अफेयर्स ने पहले तस्दीक की थी कि 266 कैनेडियन शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और उनके अहले खाना को जुमे तक सफर करने के लिए क्लियर कर दिया गया था। मिस्र में कैनेडियन सफारत खाना उन लोगों की मदद कर रहा है जिन्होंने काहिरा तक नकलो हमल के साथ साथ खाने और रिहायश की भी मदद की है, जब तक कि वो अपने सफरी मंसूबों का बंदोबस्त ना कर लें। गजा से फरार होने वालों की ताज़ा तरीन तादाद 107 अफराद के अलावा है जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते सरहद अबूर की थी। जंग जो अब अपने छठे हफ्ते में है, 7 अक्टूबर को शुरू हुई जब हमास के जंगजू ने इसराइल पर धावा बोल दिया, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 1200 अफराद हलाक और तकरीबन 240 दीगर को यरगमाल बनाकर गजा वापस ले गए। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक हफ्ते में तीसरी बार यहूदियों के स्कूल पर फायरिंग का एक और वाकया पेश आ गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक हफ्ते में तीसरी बार यहूदियों के स्कूल पर फायरिंग का एक और वाकया पेश आ गया। पुलिस का कहना है कि इसराइल और फलस्तीन में जारी हालिया जंग के बाद एक हफ्ते से भी कम वक्त में यहूदी स्कूल पर फायरिंग का यह तीसरा वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक मॉन्ट्रियल के स्कूल पर फायरिंग के वाकये में तलबा और स्टाफ के अरकान महफूज रहे और किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनका कहना है कि उन्हें स्कूल के सामने वाले हिस्से और जमीन पर गोलियों के निशानात मिले। पुलिस को ऐनी शाहिदीन ने बताया कि फायरिंग के बाद एक गाड़ी तेजी से जाए वकुआ से चली गई। तफ्तीशकार आसपास के मुमकिन निगरानी के कैमरों की तलाश कर रहे हैं। स्कूल के बाहर सहाफियों से बात करते हुए मॉन्ट्रियल की मेयर वैलरी फलवंत ने कहा कि इस वक्त यहूदी बिरादरी हमले की जद में है,
हम इख्तलाफ कर सकते हैं, हम ऊंची आवाज में सोच सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं। ये एक पेचीदा तनाजा है जो समंदर के दूसरी तरफ हो रहा है। पलवंत ने इस अजम का इजहार किया कि मॉन्ट्रियल पुलिस जिम्मेदारों को तलाश करेगी और उसके नतायज बरामद होंगे। एक बयान में क्यूबेक के वजीर आजम फ्रांसवा लेगो ने कहा कि मुजरिमों को ढूंढने और सजा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद 7 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दरमियान मॉन्ट्रियल की सरजमीन पर यहूदी बिरादरी के खिलाफ 48 नफरत अंगेज जराइम की इत्तला मिली है। इससे कबल मॉन्ट्रियल में ही दौर और यहूदी स्कूलों पर भी फायरिंग के वाकयात पेश आ चुके हैं। दोनों ही स्कूलों के दरवाजों पर फायर किए गए थे। पुलिस के मुताबिक अभी तक ये वाज़ह नहीं कि तीनों स्कूलों पर फायरिंग के वाकयात का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं। वाकयात से मुतालिक मजीद तहकीकात जारी है। ख्याल रहे कि बुध के रोज मॉन्ट्रियल की कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीन और इसराइल के हामी तलबा ग्रुपों में झगड़े के नतीजे में मुतादिद तलबा जख्मी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक तालबे इल्म को गिरफ्तार भी कर लिया था। पुलिस के मुताबिक 2022 के मुकाबले में गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ नफरत पर मबनी हमलों में दुगना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कनाडा भर में हिंदुओं और सिखों ने दिवाली और बंदी छड़ दिवस भरपूर जोश व जज्बे से मनाया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में हिंदुओं और सिखों ने दिवाली और बंदी छड़ दिवस भरपूर जोश और जज्बे से मनाया। बहुत सारी जनूबी एशियाई कम्युनिटीज़ के लिए साल की सबसे बड़ी तातिलात ब्रैम्पटन और मिसिसागा में थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आई, क्योंकि म्यूनसिपलिटीज़ की जानिब से आतिशबाजी के बारे में अपने कवानीन को सख्त कर दिया गया। हज़ारों हिंदू जीन और सिख मंदिरों, गुरुद्वारों और घरों में इबादत और जश्न के लिए इकट्ठे हुए। ब्रैम्पटन के एक मंदिर के पंडित का कहना है कि हम समझते हैं कि आतिशबाजी पर पाबंदी थोड़ी गैर मुनसिफाना है, क्योंकि हम अपनी तकरीबात के हिस्से के तौर पर आतिशबाजी का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हिंदू दिवाली को अंधेरे पर रोशनी की फतह के तौर पर मनाते हैं और लोगों के लिए रोशनी के इस्तेमाल में शामिल अपने घर को सजाना बहुत अहम है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि जैसा कि हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, हम अपने मुल्क के सकाफती ताने बाने में हिंदू जीन सिख और बुद्ध बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले कैनेडियंस के बहुत से ताबुन को भी तस्लीम करते हैं और हम कनाडा को मतनू और जामा जगह बनाने में उनके किरदार का जश्न मनाते हैं। ट्रूडो ने एक अलग बयान में बंदी छोड़ दिवस मनाने वालों को मुबारकबाद देते हुए कहा, ये छुट्टी एक याद दहानी है कि हम एक माशरे के तौर पर इकट्ठे होते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया हासिल करते हैं जो अमन, आज़ादी और बिरादरी के लिए खड़ी हो। अमरीका, जनूबी कोरिया और जापान के दिफाई सरबराहान शुमाली कोरिया की जानिब से अगले माह मिज़ाइल तजुर्बात के पेश नज़र रियल टाइम डेटा शेयरिंग पाल करने पर मुत्तफिक हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका, जनूबी कोरिया और जापान के दिफाई सरबराहान शुमाली कोरिया की जानिब से अगले माह मिसाइल तजुर्बात के पेश नज़र रियल टाइम डेटा शेयरिंग फाल करने पर मुत्तफिक हो गए। अमरीकी महकमे दिफा ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान तीनों दिफाई रहनुमाओं ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया से बढ़ते हुए जौहरी और मिसाइल खतरात समेत इलाकाई सलामती के मसाइल का जायजा लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सियोल में सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत के लिए मौजूद अमरीका के सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टन ने जनूबी कोरिया के हम मनसब शन वॉन्सिक से मुलाकात की, जबकि जापानी वजीर दिफा मनोरो कहारा ने ऑनलाइन शिरकत की। महकमा दिफा सियोल ने बयान में बताया कि तीनों वज़रा ने जायजा लिया कि रियल टाइम मिसाइल वार्निंग डेटा शेयर मैकेनिज्म की तैयारियां अपने आखिरी मराहल में हैं और इस मैकेनिज्म को दिसंबर में बाज़ाब्ता तौर पर फाल करने पर इत्तेफाक किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आला हुकाम ने 2023 के आखिर तक बाकायदा सैमुल की मशकों के लिए एक कसीर साला मनसूबा तैयार करने पर भी इत्तेफाक किया, जो जनवरी से शुरू होने वाली तरबियती मशकों को मुनज़्ज़म और मौसर बनाएगा। सितंबर में शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ सरबराही मुलाकात के बाद उन दोनों ममालिक का बढ़ता हुआ फौजी तआवुन यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों के लिए तशवीश का बाइस बन रहा है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।